बट्टा फॉल ऐसे कुछ। हेलो गाइस, तो आज का ब्लॉग मैं यही से शुरू करती हूँ क्योंकि ये सुबह ही आंटी आई थी मसाज करने और इन्होंने मुझे उठाया था, तो फिर आज का ब्लॉग यही से शुरू करूँगी मैं। तो गाइस, मैंने आंटी को इसलिए भी बुलाया था क्योंकि आज हमें जाना है मसूरी, इसलिए मेरा बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे जाऊँगी, इसलिए मैंने बुला लिया इनको। और ये फिर अभी आज हम जाएँगे मसूरी, मसूरी जा रहे हैं हम। मेरा आउटफिट, तो गाइस ये रही हमारी बाइक, तो गाइस निकलते हैं अब, लेट्स गो। गाइस हमें उधर जाना है, अभी तो ऊपर आ चुके हैं, अब मुझे डर लग रहा है नीचे देखने कैसे रह जाऊंगी मैं। और गाइस ये देखो, ये ऊपर ना मॉल रोड है तो हमें वहाँ पे जाने इतनी ऊंचाइयों में और भी 2 घंटे लगेंगे हमें जाने में। मैं तो बैठे बैठे कमर दुखने लग गए यार मेरे, और इतनी तेज़ तेज़ हवा भी आ रही है और गर्मी भी लग रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हमें बहुत दूर जाना है गाइस अभी भी। तो गाइस हम बहुत थक गए थे तो हम आ गए चाय पीने मसूरी में मॉल रोड में, और हमने चाय भी पी ली और हम मैगी खाने आए इस अंकल के पास। हमने ना खाना मंगवा लिया और ये हमारा खाना आ गया, देख ज़्यादा रिक्शे में ऐसे टाइप के, हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे चढ़ के। ना 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 रीच की आ रही है, अब बोलो अब बोल रहे थे क्योंकि हम जा रहे हैं बट्टा फॉल ऐसे कुछ नाम चलते हैं, ऊंचाइयों से आए हैं। थक गए यार,
यार कैफे है जैसे ना हमारी हाथ है ना खराब हो गई और हमें ना यहाँ पे हाथ धोना है। ओ भाई गाइस अभी हम खा रहे हैं जलेबी विद रबड़ी, बहुत टेस्टी होता है, आप भी ट्राई करना। तो गाइस हम आए हैं मोमोज खाने। वापस कोटा।